दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपको भारत के एक बेहद खूबसूरत शहर कोलकाता की सैर करवाने ले जा रहा हूँ। सिटी ऑफ जॉय के नाम से मशहूर कोलकाता संस्कृति, इतिहास और लजीज खानों का संगम है। चलिए सबसे पहले पार्क स्ट्रीट की चहल पहल भरी गलियों में घूमते हैं। पुराने जमाने की इमारतें और ट्रेंडी कैफे, यहाँ पुराने और नए का मेल देखने को मिलता है। किसी भी ठेले से एक कप चाय लीजिए और लोगों को देखते हुए मजे लीजिए। अब चलते हैं कोलकाता के मशहूर विक्टोरिया मेमोरियल की ओर। संगमरमर से बनी ये शानदार इमारत कोलकाता के समृद्ध इतिहास की गवाही देती है। अंदर आपको शहर के इतिहास से जुड़ी कलाकृतियों और चित्रों का एक शानदार संग्रह मिलेगा। बाहर के हरे भरे बाग दोपहर के आराम के लिए एकदम सही जगह है। थोड़ी भूख लग रही है, चलिए फिर न्यू मार्केट के रंगीन बाजार में। यहाँ आप पुचकों से लेकर काठी रोल तक तरह तरह के स्ट्रीट फूड का लुत्फ उठा सकते हैं। यकीन मानिए, आपके स्वाद की कलियां खिल उठेंगी। अब कोलकाता के आध्यात्मिक पहलू को भी देखें। दक्षिणेश्वर काली मंदिर जाना तो बनता है। हुगली नदी के किनारे स्थित ये मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। यहाँ का माहौल शांत और सुकून भरा है जो शहर की भागदौड़ से बिल्कुल अलग है। कला और साहित्य के शौकीनों के लिए इंडियन म्यूजियम और टैगोर हाउस देखने लायक हैं। भारत का सबसे पुराना और बड़ा संग्रहालय इंडियन म्यूजियम प्राचीन मूर्तियों से लेकर उल्का पिंडों तक कई तरह की कलाकृतियों का घर है। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का पुश्तैनी घर टैगोर हाउस भारत के महान कवि की जिंदगी और रचनाओं की झलक देता है। आखिर में हुगली नदी पर शांतिपूर्ण बोट राइड के साथ अपने दिन का अंत करें। हावड़ा ब्रिज के पीछे डूबते सूरज को देखना एक ऐसा नजारा है जो हमेशा आपके साथ रहेगा। चाहे आप इतिहास के शौकीन हो, खाने के रसिया हो या बस घूमने फिरने के दीवाने, कोलकाता में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। तो अपना बैग पैक कीजिए और कोलकाता की खूबसूरती को खोजने के लिए तैयार हो जाइए। इस सफर में मेरे साथ आने के लिए शुक्रिया। अगली बार तक खुशियों भरी यात्राएं।